हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आप सबका मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो गाइस, आज है संडे और संडे को मैंने सोचा क्यों ना इस संडे को वेस्ट ना करके कुछ मैं अच्छी सी डिशेज बनाऊं। तो आज की जो मेरी वीडियो रहेगी वो रहेगी गुजराती फूड, क्योंकि मेरी कज़न है, उसने 2-3 बार मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था और उसने मुझे मैसेज भी किया था, प्लीज़ गुजराती फूड पर आप कोई वीडियो बनाओ। तो आज जो है, आज मैं गुजराती फूड पे बनाने वाली हूँ वीडियो। तो गुजराती डिशेस में से मैं 3 बनाने वाली हूँ। पहली तो है खट्टी मीठी कढ़ी, गुजराती खट्टी मीठी कढ़ी। दूसरे पे बनाऊँगी दाल ढोकली और तीसरी मैं बनाऊँगी खट्टी मीठी दाल। ये तीनों मैंने इसलिए शॉर्ट लिस्ट करी क्योंकि मुझे लगा कि इनको मैं बना सकती हूँ। इससे पहले मैं ना तो मैंने गुजराती फूड खाई है, ना तो मैंने कभी बनाई है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज इस पे एक्सपेरिमेंट करें और आज का जो है मेरा वीडियो जो वो गुजराती फूड पे हो। तो गाइस, आज मैं बनाने वाली हूँ ये 3 मेन डिशेस गुजराती फूड की। आई होप कि आपको अच्छी लगेंगी। गाइस, टाइम वेस्ट करते हुए अपनी फूड बनाना स्टार्ट करते हैं और मैं कोशिश करूँगी कि सेम वैसी बने। बट हाँ, आपको पता है मैं गुजरात से नहीं हूँ, मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, तो हम दो स्टेट्स का टेस्ट जो वो एक साथ नहीं हो सकता, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। गाइस, बनाना शुरू करते हैं खट्टी मीठी गुजराती कढ़ी। तो गुजराती कढ़ी को बनाने के लिए जो मैंने यहाँ पर लिए मैंने 1 स्पून जीरा, 1.5 ग्रीन चिली, थोड़ा सा अदरक लिया है। यहाँ पे लिए मैंने 1 हरी मिर्च, साथ में दालचीनी, कुछ पत्तियाँ मैंने ली हैं करी लीव्स की। यहाँ पे है थोड़ी सी मेथी, एंड में गार्निश के लिए हरा धनिया। यहाँ पे लिए मैंने 3 स्पून बेसन और ये है यहाँ पे चीनी। मेरा दही जो है वो एक्चुअली इस चीज़ के लिए चाहिए होती है, खट्टा दही चाहिए होता है, खट्टी लस्सी चाहिए होती है, बट मेरे पास नहीं थी। बट जितनी भी है उसके हिसाब से मैंने चीनी ली है। यह 1.5 टीस्पून चीनी, मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे ये जो 3 टीस्पून मैंने बेसन लिया वो हम करेंगे इसमें ऐड। ऐड करने के बाद इसको हम, आपके पास ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर में कर लीजिए, अगर नहीं है तो आप मिक्स जार में भी कर सकते हैं। तो चलो, अभी ये अच्छे से मिल गई है बेसन इसके साथ। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्ची और अदरक। ये अच्छे से ऐड कर लिया, तो अब हम रखेंगे इसको धीमी आंच पे, गैस पे। आपको यहाँ पे धीमी आंच पे इसको रखना है और हिलाते रहना है कंटिन्यू, ताकि ये नीचे जो है इसकी जो इसके अंदर हमने बेसन डाली वो नीचे नहीं लगनी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा इसको उबाल आना शुरू हो गया है। तो अभी हम जो है यहाँ पे तड़का बना लेते हैं इसका, तड़का जो हमने अपनी कढ़ी में लगाना है। तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करूँगी दूसरी साइड। चलो गाइस, बनाते हैं अभी तड़का। मैं यहाँ पे बना रही हूँ मस्टर्ड ऑयल के साथ तड़का, लेकिन इसको मैक्सिमम घी के साथ बनाते हैं, बट मैं मस्टर्ड ऑयल ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है रोटी में, तो मैं यूज़ कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। अगर आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा ऑयल जो है वो गर्म हो गया है। तो अभी हमारे मसाले जो बस जल ना जाए, तो इसकी आंच जो मैं थोड़ी धीमी कर दूंगी। पहले जो मैं इसमें डालूंगी वो जाएगी हमारी मेथी के दाने। मेथी के दाने के साथ अब मैं डालूंगी इसमें अपनी मिर्ची। अब जाएगा इसमें ज़ीरा, अब इसमें डालूंगी मैं थोड़े से तो अब जो है हम तड़का अपनी देख सकते हैं आप कढ़ी में आ रहा है उबाल। तो अब डालेंगे हम इसमें अपना तड़का।
आई डोंट नो इसको कैसे करते हैं, बट बढ़िया था यार। तो चलिए खट्टी मीठी दाल बनाने की सामग्री जो है जो उसमें यूज़ होगी वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे लिए मैंने एक चम्मच ज़ीरा, एक कटी हुई हरी मिर्च, 9 से 10 हमारे करी पत्ते, दालचीनी, यहाँ पे मेथी है, यहाँ पे राई है, हल्दी और मिर्ची, हरी मिर्च, यहाँ पे नींबू का रस है, ये चीनी है, दो मेरे पास गुड़ नहीं था तो मैंने चीनी लिया, 2 चम्मच अदरक, 1 कटा हुआ टमाटर, और यहाँ पे लिया है मैंने धनिया जीरा कप पाउडर। तो चलो अभी हम इसको जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने तूर की दाल को उबाल के इसका इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो चलो इसमें ऐड करते हैं हम अपने मसाले। तो सबसे पहले जाएगा हमारा मिर्ची और हल्दी, अब जाएगा हमारा अदरक, कटा हुआ अदरक, हरी मिर्च, यहाँ पे जो हमने जीरा और धनिया का पाउडर है वो डाला है, 2 चम्मच हमने जो चीनी यहाँ पे रखी थी उसको हम डालेंगे, अब यहाँ पे इसको करेंगे हम मिक्स अच्छे से। आप चाहो तो ब्लेंडर के साथ कर सकते हैं, मैं तो चम्मच के साथ कर रही हूँ। यहाँ पे एक कटोरी में पानी भी यूज़ करूँगी क्योंकि ये मुझे अभी थोड़ी थिक लग रही है। चलिए अब हम रखते हैं इसको चूल्हे पे, यहाँ पे इसको अच्छे से उबाला देंगे हम। जब तक इसको उबाल आ रहा है तब तक हम इसके तड़के का करते हैं। हमारा ऑयल जो है वो पक गया है, तो चलो अब हम ऐड करते हैं इसमें मेथी दाने, डालेंगे हम राई, अच्छे से चटकने देंगे इनको, ये अब डालेंगे ज़ीरा, साथ में डालेंगे इसमें 8 से 10 करी लीव्स, अब डालते हैं इसमें टमाटर, तो अभी इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक हम जो है इसको पकाएंगे, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होने देना, मतलब हाफ इसको सॉफ्ट होने देंगे क्योंकि जब हम इसको दाल में डालेंगे तो इसका भी उधर भी ये थोड़े 5 से 10 मिनट पकेगा। अब थोड़ी सी इसमें जो है यहाँ पे मेरे पास जो थी हींग पाउडर तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा इसका पिंच सा मैं ये डाल देती हूँ। तो चलिए अब ऐड करते हैं अपना तड़का इसमें। तो आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है अच्छे से हो गई है। तो अब मैं ऐड करूंगी इसमें नींबू का रस, मिला दीजिए। अब मैं इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। हमारी जो है खट्टी मीठी दाल जो है अब रेडी है। तो चलो गाइस अब दाल ढोकली बनाने के लिए अब हमने जो है तूर की दाल को मैंने उबाल लिया था इसको और थोड़ा ब्लेंड भी कर दिया। तो चलो अब हम इसमें डालते हैं अपने जो हमने इंग्रेडिएंट डाले हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे इसमें हल्दी, फिर डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च, नमक, ज़ीरा, फिर जाएगा इसमें अदरक, मिर्ची, 5-6 करी पत्ता। अब इसको जो है हम अच्छे से मिला लेंगे और साथ में ही डालेंगे इसमें टमाटर। अभी इसको उबलने के लिए रखते हैं हम, तब तक हम अपनी दाल ढोकली जो है हम वो बना लेंगे। यहाँ पे जो था ढोकली का जो आटा वो मैंने थोड़ा पहले ही बना के रख दिया था,
आपको इसके लिए अगर आपको ये बनाना है ढोकली के लिए जो आटा है ये आपने लेना, जो हमारी गेहूँ का आटा होता है जो आज जिससे आप रोटी बनाते हैं वो लीजिए। इसमें डालिए आप हल्दी, मिर्ची, जीरा धनिया का पाउडर और थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, मिर्ची डाल दीजिए और इसको मतलब रोटी से थोड़ा सख्त गूंदना है आपने, और फिर 10 मिनट के लिए इसको आप रख दीजिए। अब जी और थोड़ा सा एक ढक्कन इसमें तेल भी डालना है आपने, कोई भी तेल डालिए, मैंने इसमें सरसों का डाला है, आप भी डाल सकते हैं। चलिए तो अब अपनी ढोकली बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोइयाँ लगा दी हैं इसकी। अब नहीं ज़्यादा पतली करनी है और ना ही ज़्यादा चाहिए मोटी रहनी चाहिए, मतलब सही सही तरीके से बननी चाहिए। ये देख लीजिए ज़्यादा मोटी नहीं है, तो यहाँ पे मैं अभी रुक जाऊँगी। यहाँ पे आप काट सकते हैं इसको अपनी मर्जी की शेप की, जैसे डायमंड में काटनी है, जैसे स्क्वायर में काटनी है। फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो मुझे आइडिया नहीं हो रहा कि कैसे करना है, ये कुछ तो निकल ही गई है। ये देखिए आप, ये बन गई हैं कुछ इस तरीके की, इवन नहीं है क्योंकि सभी कुछ आगे पीछे के आकार की हैं, इस तरीके की हैं। तो चलिए गाइस, अभी उबाल आ गया हमारे इसमें दाल में, तो अभी हम इसमें जो हमने ढोकली बनाई है उसको ऐड करना स्टार्ट करते हैं, एक एक करते करते ताकि एक दूसरे से चिपके ना। हम इसमें मेथी, मेथी के साथ डालेंगे थोड़ी सी राई, मिर्ची, मिर्ची के साथ थोड़े से करी पत्ता, इसके साथ थोड़ी डालेंगे हींग, अपना तड़का जो है हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं, मैंने बंद नहीं किया है। तो चलो अभी हमारे, तो अब मैं सबको टेस्ट करवाऊंगी कि ये आखिर एक्चुअल में बनी कैसी है, जा क्या हुआ। और इस ये देख सकते हैं आप, मैं तीनों अभी डाली हैं कटोरी में। अब मैं तो यहाँ पे है अलीशा, तो अलीशा टेस्ट करेगी कैसी बनी है। प्लीज़ बेटू करना ये है, कौन सी अच्छी है और आप मुझे बताना कि सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी। कौन सी वाली? इसके अंदर ढोकली भी, आप चम्मच से उठाओ देखो तो सही। ये हाँ, इसको ढोकली बोलते हैं। थोड़ा सा इसको चख के बताओ कैसी है, थोड़ा सा ही चख के बताना, चाहे गर्म है थोड़ा सा फू करके। टेस्टी है, टेस्टी है। सच में दोबारा खाना चाहोगे? हाँ। चलो ठीक है। तो चलिए अभी तो दूसरी वाली जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं पुचकू के पापा, तो प्लीज़ करके बताइए कैसी बनी है सारी। मज़ा बनी है। नहीं जेन्युइन वाला, जो जैसा आपको लगे। अच्छा, उसके साथ वाली है खट्टी मीठी दाल। ये वाली खट्टी मीठी दाल, हाँ ये अच्छी बनी है, थोड़ा नमक पर ठीक अच्छी है, नमक कम है थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा सा नमक कम है पर ठीक है, टेस्टी बनी है। और लास्ट वाली है गुजराती कढ़ी, ये काफ़ी ठीक है इसका। हाँ, इसमें वो डालता है ना क्या बोलते हैं उसको, बेसन, बेसन बेसन डालिए ना तो उससे ठीक हो गई थोड़ी। हाँ, ये भी टेस्टी बनी है। तो इनमें से आपको टेस्टी कौन सी लगी? मुझे तो सबसे अच्छी मुझे दाल ढोकली, और सेकंड नंबर पे ये वाली कड़ी। कड़ी बाकी अच्छा बना है, और बहुत बढ़िया बहुत अच्छा बना है। हाँ, ये दाल ढोकली है तो बताओ दूसरी भी दाल छोटी मोटी दाल। बहुत
ये खट्टी मीठी दाल है अच्छी बनी है और बहुत टेस्ट बना है इसी है और वो कड़ी कड़ी सब्जी बहुत अच्छा बना है थोड़ा आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी सबसे मुझे बहुत तीनों अच्छी लगी तीनों चीज़ें बहुत अच्छी बनी है।